बात पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत की, जो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है, मगर ये बढ़ती कीमत जहां लोगों की जेब पर असर डाल रही है तो वहीं पेट्रोल पंपों को भी डरा रही है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल 100 के पार चला जाएगा पेट्रोल पंप पर ताला लग जाएगा। मतलब पेट्रोल पंप पर तेल होगा पर वो बेच नहीं पाएंगे, आप उन्हें पैसे भी देंगे मगर वो पैसे ले नहीं पाएंगे, तो क्या पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? देखिए रिपोर्ट। बचपन में सुना था पेट्रोल डीजल के संसाधन सीमित हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे और जब खत्म होंगे तो बहुत महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल में इन दिनों आग लगी है, जो तेल भरवाने वाले और ना भरवाने वाले दोनों को ही जला रहा। अगर यही रफ्तार रही तो बहुत जल्द पेट्रोल शतक लगा देगा, मगर 100 का यह आंकड़ा जितना जनता को जला रहा उतना ही पेट्रोल पंपों को भी डरा रहा, क्योंकि जैसे ही तेल के दाम 100 रुपए को छू जाएंगे पेट्रोल पंप की मशीनें भी काम करना बंद कर देंगी। दरअसल डिजिटल डिस्प्ले में सिर्फ 2 अंकों के लिए ही जगह बनी हुई है, जबकि 100 रुपए में 3 अंक होते हैं। शायद पेट्रोल पंप पर लगी इन मशीनों को जब बनाया गया होगा तो बनाने वाले के मन में ख्याल भी नहीं आया होगा कि पेट्रोल 100 रुपए का आंकड़ा भी छू सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नोटबंदी के वक्त नए नोट बनाते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये पुराने एटीएम में फिट होंगे भी या नहीं। वैसे कुछ पेट्रोल पंप पर ये परेशानी शुरू हो चुकी है। ब्रांडेड पेट्रोल की कीमतें कई शहरों में 100 के पार जा चुकी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके सबसे ताजा उदाहरण है। पेट्रोल पंप एक नई चुनौती से जूझ रहे हैं। साधारण पेट्रोल के दाम 100 रुपए पहुंचे उससे पहले उन्हें नई मशीनें लगानी होंगी। वैसे लगे हाथ 4 अंकों वाली मशीन लगा देनी चाहिए, फिर पेट्रोल 100 रुपए का हो या फिर 1000 रुपए का, टेंशन का कोई काम ही नहीं होगा। भले ही ये बात अभी हास्य का बोध कराए, पर जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब ये बात सच भी साबित हो सकती है। वैसे पेट्रोल डीजल एक चक्रव्यूह की तरह है, जो खुद तो बढ़ते ही महंगाई और ज्यादा बढ़ा देते हैं। पिछले 1.5 महीने में तेल के दाम 20 बार बढ़ चुके हैं। 15 जनवरी 2020 से 15 फरवरी 2021 तक पेट्रोल 17.05 रुपए तो डीजल 14.58 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं बढ़ती कीमत पर सबसे ज्यादा मार टैक्स के बोझ की है, जो सरकार जनता से वसूलती है। पिछले एक साल की बात करें तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.28 रुपए से बढ़ाकर 32.98 रुपए की जा चुकी है। वहीं डीजल पर 15.83 रुपए से बढ़ाकर 31.83 रुपए की जा चुकी है, जबकि 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपए थी और डीजल पर ये 3.56 रुपए थी। पहले कहा जाता था कि कच्चे तेल की कीमत पेट्रोल डीजल की कीमत पर असर डालती है, मगर मौजूदा वक्त में ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जून 2014 में कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल थी, वही फरवरी 2021 में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल थी। 2014 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए थी, जबकि फरवरी 2021 में औसत पेट्रोल की कीमत 89.54 रुपए है। वहीं 2014 में 1 लीटर डीजल की कीमत 51 रुपए थी, जो 2021 में करीब 80 रुपए के पार पहुंच चुकी है। अब जरा आपको लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे आसमान छू रहे, कैसे ये लोगों की जेबों को जला रहे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज एक बार फिर से इनकी कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। लखनऊ के जिस पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं तो हम देख पा रहे हैं जो कीमत है आज की, ये पेट्रोल की अगर हम कीमत देखें तो 88.52 रुपए प्रति लीटर कीमत है। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम और इन बढ़ते दामों से आम जनता परेशान है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, आप देखिए यहाँ पर जो बाइक से चलने वाले हैं, जो कार से चलने वाले लोग हैं, वो पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं। पेट्रोल के दाम घटाएं, ये मांग है आम युवा की, जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को भरवाने के लिए आते हैं। आप देखिए यहाँ पर आज का दाम अगर पेट्रोल की बात करें तो 89.10 रुपए है और इसके साथ डीजल 81.61 रुपए प्रति लीटर।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज यहां एक बार फिर से दाम बढ़े हुए हैं। आज पेट्रोल 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है और इस बढ़ोतरी के बाद प्रयागराज में जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ करके 88 रुपये 59 पैसे हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 81 रुपये 2 पैसे हो गए हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल हो या डीजल हो या रसोई गैस हो, लगातार उसके दामों में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि लगातार सरकार की नीतियों पर अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। आगरा की बात की जाए तो आगरा में आज पेट्रोल के दामों में 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, डीजल की 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और पिछले कई दिनों से लगातार जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो लगातार हाइक हो रहे हैं और ऐसे में लोगों में भी इसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार इस पर क्यों नियंत्रण स्थापित नहीं कर रही है। ये महंगाई जहां लोगों के लिए मुसीबत है वहीं विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का मौका है। ये तस्वीरें चंदौली की है जहाँ सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को रस्सी से खींच कर विरोध जताया। आज हम लोग समाजवादी पार्टी चंदौली के बैनर तले मुगलसराय विधानसभा में हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल और गैस का लगातार जो बढ़ोतरी हो रहा है उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के द्वारा, हम लोग मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर का दाम कम किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही चुप बैठने का काम नहीं करेंगे। मगर जो पेट्रोल और डीजल भारत के लोगों का तेल निकाल रहा है वहीं ये पड़ोसी देशों में आधे रेट में मिल रहा है। भारत में जहां पेट्रोल 91 रुपए 75 पैसे डीजल 83 रुपए 62 पैसे का मिल रहा है तो वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपए 37 पैसे और डीजल 53 रुपए 4 पैसे में बिक रहा है। जबकि पाकिस्तान से भी सस्ता पेट्रोल भूटान में है जहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 49 रुपए 56 पैसे है और डीजल 46 रुपए 30 पैसे में बिक रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 61 रुपए 37 पैसे है और डीजल की कीमत 38 रुपए 92 पैसे है। नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 97 पैसे का बिक रहा है और डीजल 58 रुपए 31 पैसे का है, जबकि चीन में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 74 पैसे है और डीजल 65 रुपए 11 पैसे में बिक रहा है। भारत में तेल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि उस पर टैक्स अधिक है। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी लगाने के अलावा राज्य सरकारें भी वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं। तेल पर लगने वाले टैक्स और वैट को देखें तो भारत में ये करीब 69% लगता है जबकि अमेरिका में ये सिर्फ 19% है। एक तरह से भारत में टैक्स का खेल तेल का तेल निकाल रहा है और ये सब आम जनता की जेब से वसूला जाता है। अगर सरकारें तेल पर लगने वाले टैक्स में कमी करें तो जनता को राहत मिल सकती है, हालांकि इसके आसार नहीं है क्योंकि सरकार अब पेट्रोल डीजल के विकल्प वाले ईंधन को तलाशने में व्यस्त है। तो वहीं पेट्रोल पंप 3 डिजिट वाली मशीनें बनाने में अब जब तक ये विकल्प नहीं मिल जाता टैक्स भरते रहिए और 100 रुपए वाला पेट्रोल खरीदते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।